पर यहाँ के लोग, कश्मीर के लोग भाई बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे। चाहे एक बार कभी कश्मीर पे आने का प्लान नहीं करूंगी। एक का तो बुक करना ही भूल गया भाई मैं तो, हमने गंडोला राइड बहुत बड़ा मिस कर दिया आप लोग। सो गाइस क्या ही बताओ, कश्मीर एक जन्नत है। मत बनो, एक चीज बताओ, कितना भी साना बंदा होगा ना कटेगा यहाँ पे आके। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब, होप करता हूँ आप सब ठीक होगे और मस्त होगे। आप सभी का इस ब्लॉग में स्वागत है और आज का दिन भाई काफ़ी मस्त और चिल होने वाला है, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा। तो फिलहाल मैं डायरेक्टली अपना, आज हमारा प्लान था जैसे ही कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आज हमारे हमको गुलमर्ग जाना है, हमको गुलमर्ग जाना है, तो हम गुलमर्ग में डायरेक्टली आ चुके हैं और अब हम डायरेक्ट सीनरी देखेंगे और व्यू के इन्जॉयमेंट लेंगे। तो भाई काफ़ी ज़्यादा ठंड है, आप लोग धुआ धुआ ही धुआ नहीं कर रहा मुँह से टेम्परेचर। और फिलहाल एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पर बारिश तो हुई है पर यहाँ पर धूप भी आ गई है, तो ये चीज़ थोड़ा हमारे लिए सेफ है। तो मैं आप लोगों को पीछे का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, आप लोग व्यू एंजॉय करो यार। हमने एक कॉस्ट्यूम ख़रीदा है, शूज़ है और ये जैकेट ऊपर से ले लिया, उन्होंने कैप ले लिया है, कुछ 500 का पूरा कॉस्ट्यूम पड़ा हमें। और भाई यहाँ पे देखो दुकान वगैरह है और बर्फ़ देखो भाई, सीट पे बर्फ़ है, ये देखो भाई बर्फ़। ऊपर जाना है भाई हमें, मज़ा ही आने वाला, खाली खाली बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रहा है। ये ऊपर जो वाइट आप लोगों को लग रहा कलर है पर वो कलर नहीं है, बर्फ़ है भाई वो। तो भाई सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें ना, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। यहाँ पे आप लोग कार के पास देख सकते, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है भाई। और अभी ऊपर जाने के बाद पता नहीं क्या होने वाला क्या नहीं, तो सारी चीज़ें हमें वहाँ पता चल जाएगी। तो चलते हैं और इस जर्नी को इन्जॉय करते, आप लोग भी इन्जॉय करो। तो भाई ऊपर जाने के लिए चेन लगता है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ऊपर बर्फ वगैरह होती है तो उस वजह से यहाँ पे चेन मारना पड़ता है इनको। देखो चेन मान रहे हैं, सो गाइस हम फाइनली कार स्टैंड पे, पर यहाँ से हमें ऊपर जाने के लिए मिल नहीं रही है टैक्सी वगैरह, तो बहुत मुश्किल है भाई। 9 बजे आए थे, अभी बज रहे 11:30 और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो गई। पीछे का व्यू देख सकते आप लोग भाई, चलते यार फटाफट और देखते भाई वीडियो एडिट करना ना। हाँ सही लग रहा है ना थोड़ा।
यहाँ पे आने के बाद हम मेरी तो मैं तो ठीक हूँ, इसकी पूरी भटके चार हो गई। तो भाई व्यू देखो भाई, खाली बर्फ ही बर्फ है। कश्मीर आने का प्लान नहीं करूंगी, बर्फ ही बर्फ, आप एंजॉय करो भाई। दिसंबर एंड में आप कोई नहीं आइएगा, आप परेशान हो जाएंगे। जा रहे हैं हम गंडोला राइड में, मिलते हैं आप लोगों को आगे फटाफट। सो गाइस फाइनली आ चुके हम जन्नत में, और ये है असली जन्नत। और क्या ही बोलूं आप सभी को, थोड़ा सा हमें हमारा गंडोला राइड की टिकट मिस हो गई थी, बहुत बड़ी गलती हो गई। और मिस नहीं हुई, आपने गलत कर दी। सो गाइस क्या ही बताओ आप लोगों को, ठंडी तो काफ़ी अच्छी है, व्यू काफ़ी मस्त है, अब हम एक टिकट मिस कर चुके हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे से। कोई नहीं, कुछ अभी कुछ नहीं कर सकते वो चीज़ को लेके। तो अभी हम यहाँ का व्यू इंजॉय करेंगे, आप लोग बने रहो और इंजॉय करो। ये गंडोला राइड का स्टेशन है, फेस वन है, फेस टू ऊपर है। हम मिस कर दिया यार, बहुत बड़ी गलती कर दी। कोई नहीं, जान दो, कुछ मतलब नहीं अब उसे याद कर करके, अब हम यहीं पर इंजॉय करेंगे, चलते हैं। सो गाइस क्या ही बताओ, कश्मीर एक जन्नत है, मस्त भाई। हम ऊपर तो नहीं जा पाए, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दिया, मेरे फ्रेंड्स लोग गए, फ्रेंड्स यानी कि अभी हम मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा कि मेरे कौन फ्रेंड बने कौन नहीं बने यहाँ पे आने के बाद। तो बेसिकली सीन ये है कि यहाँ पे आने के बाद सब अपने भाईचारे बन जाते, दोस्त बन जाते, क्योंकि अपने अपन भी मोहब्बत वाले और सामने वाले भी, कश्मीर भी एक मोहब्बत से मतलब लोग मिलते हैं, झूलते हैं, सलाम वगैरह करते हैं। तो भाई एकदम अलग ही व्यू है, अलग ही वाइब है। वीडियोस वगैरह बना लिए, अभी हम इंतज़ार करें अपने दोस्त का, वो आए तो हम और भी फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हैं। स्नोफॉल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, एकदम थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी ये साइड बादल है ना इस वजह से। तो थोड़ा इंतज़ार करते, और कुछ नहीं, मिलते हैं आपको। एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, हम तो यहीं पे एंजॉय कर लिए भाई। भाई ये गंडोला राइड का ये स्टेशन आपको जैसे बताया पहले मैंने, और कुछ नहीं, आप जा रहे इस जन्नत को भाई बोलने, जन्नत प्लेस। यहाँ से एग्जिट है, हमने मस्त फोटो वगैरह निकाल लिए और चलते हैं अभी। तो भाई अभी फ़िलहाल हम यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों का, आने दो उनको, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। भाई ठंडी तो बड़ी आ रही है, -1 -2 चल रहा है कुछ, रात में तो इससे भी ज़्यादा, अभी जैसे जैसा टाइम दिन ढलेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अभी हम सोच रहे यहाँ से निकलने वाले, देखते चलो। सो गाइस फाइनली हम यहाँ से जा रहे हैं, और काफ़ी मतलब ठंड भी बढ़ चुकी है, यहाँ पर फ़ोटो वगैरह मस्त निकाल लिया हमने, अलग ही भाई यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। चलो तो भाई यहाँ की जो शान है ना, आधा तो ये जो ट्री है ना ये बढ़ा देती शान, ट्री भाई ये देखो, यहाँ देखो बर्फ देखो भाई, ओ भाई साहब मस्त, पूरा बर्फ बर्फ, जन्नत भाई अलग ही मजा है भाई यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम वहाँ से निकल के स्टैंड पे आ चुके हैं, यहाँ हमारा टैक्सी स्टैंड है। और मैं सारी चीज़ें, अगर आप लोग मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि कल इससे भी बड़ा जन्नत देखने वाले हम, क्योंकि कल हम जा रहे हैं सोमवर्क, सोमवर्क में भाई अलग ही नेक्स्ट लेवल का मज़ा है। तो कल की वीडियो में पता चलेगा आप लोगों को सोमवर्क में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं आज का जो भी हमारा डिटेल है सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, डिस्कस करूँगा, आपसे बात करूँगा। तो थोड़ा सा और इंतज़ार करो, हम यहाँ से निकलते पहले रूम में जाते रेस्ट करते, फिर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, यहाँ पर कैसे आना है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्टे ट्यून, देखते रहो। सो हे गाइस फाइनली हम आ चुके अपने बेडरूम में, और मतलब क्या ही बताओ, दिन भी हो गई, मतलब कल थोड़ी थकान हो गई थी तो उस वजह से हम सो गए थे, और अब जाके उठे हैं। तो आज हमारा लास्ट दिन है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ से जाना है जम्मू तवई, क्योंकि वहाँ से हमें जम्मू तवई से फिर वहाँ से जाना है अजमेर, अजमेर सर्विस जाना है। तो इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूँ वीडियो में कि कैसे पहुँचा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। देखो सबसे पहली बात, हम यहाँ से गुलमर्ग के लिए एक क्या बोलते हैं उसे, टैक्सी बोल देता हूँ, टैक्सी किए थे, कैब किए थे। तो कैब करने के बाद हम वहाँ से गए
टनमर्क। अब मैं बता दूँ आप लोगों को यहाँ पे स्कैम क्या होता है। पहले उसने मुझे बोला कि पहले हम पेमेंट नहीं किए थे तो उसने मुझे बोला कि हम डायरेक्टली आपको छोड़ देंगे टनमर्क, टनमर्क से आप टनमर्क पहले उसने हमें बोला कि हम यहाँ से आपको छोड़ देंगे डायरेक्टली गुलमर्ग। तो बाद में जब सारी चीज़ें हो गई तब बाद में बोलते हैं कि भाई वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, स्लाइडिंग हो रही है, ये हो रहा है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, हम आपको टनमर्ग ही छोड़ेंगे। टनमर्ग एक अलग लोकल चलती है वहाँ से, तो वहाँ का हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे, तो आप वहाँ से अलग टैक्सी करके जाओ, अलग कैब करके जाओ। तो यहाँ से हमारा कुछ जाने का होता 2500 ऑलमोस्ट, यही रेट चलता है। तो हम टनमर्ग तो पहुँच गए कैसे कैसे करके, वहाँ से हमने दिमाग लगाया कि भाई यहाँ से 2500 वहाँ से 2500 5000 तो खाली एक जगह घूमने में हो गया। तो फिर हमने वहाँ से दिमाग लगाया, वहाँ पे शेयरिंग चलती है बोलते हैं, पर शेयरिंग नहीं चलती है भाई, शेयरिंग को बनाना पड़ता है हमें। तो हमें वहाँ पे ऑलरेडी एक कपल दो कपल लोग मिल गए थे, तो हमने उससे बात करके 3000 में हम तीन कपल आराम से चले गए। मतलब पर पर्सन पड़ा 1000-1000 रुपया, तीन कपल थे हम लोग, तो 1000-1000 रुपया पड़ा, हम बहुत इजीली गए। तो यही चीज़ बता रहा आप लोगों को, शेयरिंग नहीं मिलती है वहाँ पे। आप लोगों को बता देंगे कि पहले कि शेयरिंग मिलेगी, मैं शेयरिंग करा के दूंगा, ये करा के दूंगा, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे भाई। वहाँ पर जाने के बाद शेयरिंग लेना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। तो हम शेयरिंग वगैरह किए वहाँ पर जाने के बाद, फिर वहाँ पर पहुँचे कैसे कैसे करके पहुँचे, फिर वहाँ से उसने टैक्सी स्टैंड पर रोक दिया। फिर वहाँ से जाने के लिए हमको और शेयरिंग की ज़रूरत है, शेयरिंग की ज़रूरत मतलब कैब की ज़रूरत है। तुम चल के जा नहीं पाओगे, तुम्हारा पैर फिसलेगा, पैर मैं बहुत आगे चलेगा, थोड़ा पीछे आना चाहता हूँ, एक पॉइंट मिस कर दिया। जैसे कि वहाँ से अगर आप लोग कपड़ा वगैरह चेंज करते हो तो कॉस्ट्यूम वगैरह शूज़ जो है ले लेना, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ होता है, पूरा शूज़ ख़राब हो जाएगा, कीचड़ वगैरह भी होता है तो शूज़ ख़राब हो जाता है। फिर जैकेट वगैरह पहने, कपड़ा वगैरह पहने तो पूरा गिल्ला हो जाएगा बर्फ़ की वजह से। तो वहाँ से आप लोग जैकेट वगैरह ले लेना, सस्ते में आता है कॉस्ट्यूम वगैरह, 500-300 के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। बार्गेनिंग करते रहना भाई जरूर। तो भाई बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोग कहीं भी जा रहे हैं, आप लोग वैसा फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, वो लोग आपको गिल्टी फील करा ही देंगे कि भाई आप इतने बड़े हो, इतने मुंबई से आए हो, इतने अच्छे लग रहे हो। तो भाई आप लोग पिघल मत जाना, बार्गेनिंग करना भाई ज़रूर। फिर हम आते कैब पर, उसने हमें ड्रॉप किया टैक्सी, सबसे पहले टनमर्ग में ड्रॉप किया, टनमर्ग से टनमर्ग टैक्सी स्टैंड में ड्रॉप किया, टनमर्ग से हमने फिर कैब किया, शेयरिंग कैब किया कपल लोग मिलके, फिर हम डायरेक्ट गए स्टैंड पे गुलमर्ग के स्टैंड पे। वहाँ से भी 1 किलोमीटर है भाई, चल के नहीं जा पाओगे तो तुमको टैक्सी करना पड़ेगा। हमें टैक्सी 200 रुपये में छोड़ा उसने, 200 रुपये उसको रेंट दिए, फिर एक हमें हेल्पर मिल गया था तो उसको हेल्पर का 500 रुपये दिए, सब मिला के दिए। मतलब भाई बहुत सस्ते में पड़ गया, अगर सिंगल चले जाते थे ना हम भाई 3000-4000-5000-6000-7000 खर्चा होना फिक्स है। तो वहाँ से फिर हम हेल्पर को पकड़े तो वहाँ पर हमें जाना था गंडोला राइड, तो उसने हमें कैसे कैसे करके घुसाया। पर एक चीज़ हो गया वहाँ पर हमें गर्दी इतनी रश थी ना, तो वहाँ पर लोग कैसा कैसा एडजस्टमेंट कर करके घुसाते गए, सबको निकल गए। तो वहाँ पर एक चीज़ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई ना, मैंने गंडोला राइड की टिकट बुक किया था, पर मैंने गलती से फेस टू की गंडोला राइड की टिकट बुक कर दिया, और एक का तो बुक करना ही भूल गया भाई मैं। तो हमने गंडोला राइड बहुत बड़ा मिस कर दिया, आप लोग ने वीडियो में सुन ही लिया होगा, तो इतना बड़ा मिस कर दिया ना भाई। मैंने ऑनलाइन टिकट निकाला था, अगर आपको ऑनलाइन टिकट निकालना है तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना, तो भाई फेस 1 की टिकट निकालना बहुत सही पड़ता है, ऊपर जाने के बाद भी और खर्चा होता है, तो वो सब गलती मत करो भाई, फेस 1 की टिकट निकालो। हमने तो मिस कर दिया था, हमने नीचे बहुत इन्जॉय कर लिए। तो फिर सारी चीज़ें हो गई, फिर हम रिटर्न आने के टाइम पे फिर 200 रुपये कैब का दिया हमने। फिर कैब का देने के बाद वो हेल्पिंग वाले हेल्पर जो रहते ना, उनको भाई बार्गेनिंग करो उनसे, 300-400-500 वो तो बोलेगा 1000-2000, पर तुमको देना है 500-400-300 रुपये इतना ही देना है। सेकेंड हम मैं बताता आप लोगों को, यहाँ से टनमर्ग जाने के लिए आपको कुछ 2500-3000 ये सब मतलब ठीक है भाई, इससे भी सस्ता नहीं होता यहाँ पे। अगर तुम पर्सनल टैक्सी करके कैब करके जाते हो तो इतना ठीक है, दे सकते हो आप, मतलब कटोगे नहीं। बाकी 3000-4000-5000 देना भाई कटने वाली बात है। तो मैं तो बोलूँगा यहाँ से भी शेयरिंग बना लो, कपल वगैरह को ढूंढ लो। अब जैसे टैक्सी स्टैंड पहुँचोगे ना, आप पे सारे कपल लोग मिलेंगे, मतलब
मोस्टली सब टूरिस्ट लोग कपल फैमिली वैमिली सब यही आते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को अच्छी अच्छी से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। और मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो आप लोग मेरी वीडियो देख लो, और अभी तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह अजमेर की जर्नी हमारी बहुत अच्छी रहेगी, वहाँ की वीडियोज़ वगैरह बनाएगी हम। एक चीज़ मिस कर दी हमने, आज हमारा प्लान था सोमवार जाने का, पर सोमवार नहीं जा पाए क्योंकि थोड़ा सा इशू हो गया है यहाँ पे, तो उस वजह से नहीं जा पाए। तो इशू ये हुआ था, थोड़ा सा तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, ठंडी काफ़ी आ गई। अब हम मुंबई वाले यहाँ पे सरवाइव भाई जनवरी दिसंबर जनवरी फरवरी में नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होती। कोई कोई मतलब हम जो फीमेल वगैरह होते हैं ना वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, तो फीमेल वगैरह साथ में होती है या बच्चे वगैरह होते हैं ना, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे भाई, सच बोल रहा हूँ, बीमारी मार पड़ जाते हैं यहाँ पे। तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ के लोग जो है ना भाई अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पे लोग इतना मस्त है ना यहाँ पे, जितने भी लोग मेरे थे हमसे, क्या नाम है भाई आपका, अरबाज, अच्छा ये, अरे भाई आप तो मेरे मेहमान हो, अरे भाई आप पैसा मत दो, ये मत दो, बहुत अच्छे लोग यहाँ पे मिले, इतने अच्छे लोग मिले ना भाई, मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है ये कश्मीर का। और एक चीज़ और, मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ तो यहाँ पर मुझे सब लोगों को बोलना पड़ रहा था कि भाई मैं आते रहता हूँ, क्योंकि कैसे है ना, अगर आप बोलोगे ना फर्स्ट टाइम है तो आपको लूट ले गया भाई, तो ऐसा बोलना ही नहीं फर्स्ट टाइम है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है भाई कुछ कुछ चीज़ें को बचाने के लिए। तो मैंने सारे जो लोग मिला भाई मैं आते रहता हूँ यहाँ पे, मैं फर्स्ट टाइम नहीं आया, ऐसा ऐसा सबको बोल बोल के कम 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 प्राइस में करा दिया। एक चीज़ और बोलना, एक चीज़ रिपीट ज़रूर करते रहना भाई, यहाँ पे मेरा डेली मतलब हर साल मैं यहाँ पे आता हूँ, तो पिछले साल कुछ और रेट था, आप कुछ और रेट बता रहे हो, तो उतने में आप अपना बजट बना लो, उतना ही बजट बताओ भाई, इतने में करते तो मैं चलता हूँ, वरना कोई बात नहीं। जैसे शिकारा राइड में हम लोग गए थे, वहाँ पे हमें बोला था 4,000 और मांडोली कितने में, 8,500 और मांडोली कितने में, 500, 600, 700 तक का मांडोली हो गई। तो आप सोच रहे हो 8,500 किधर, 700 किधर, तो ये सारी चीज़ें भाई थोड़ा सा सोच समझ के जाओ, सोच समझ के बार्गेनिंग करो भाई, बस और कुछ नहीं। और बाकी मैं ये एक टॉपिक और मतलब बताना चाहता हूँ फिर से, कि वहाँ पर यहाँ के लोग कश्मीर के लोग भाई बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे। अच्छा लगा भाई, जर्नी काफ़ी अच्छी थी कश्मीर की हमारी, खाली हमने दो पॉइंट मिस किया है, जैसे कि आज का सोमवार, फिर एक पहलगाव था, पहलगाव तो हमारा जाने का तो कोई प्लान नहीं था, दिसंबर में जाके मतलब नहीं है भाई, वहाँ पे खाली बर्फ़ देखने वाला है, जो कि वहाँ पे नेचुरल फूल वगैरह देखना है आप लोगों को, तो आप लोगों को आना पड़ेगा जनवरी फरवरी फरवरी में मार्च अप्रैल में, तब वहाँ पे आप लोगों को ट्यूलिप गार्डन वगैरह देखने को मिलेगा, सारी चीज़ आप लोगों को वही टाइम पे देखने मिलेगी। कोई नहीं, वीडियो में बस थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अब इंशाल्लाह हमारी अजमेर की ट्रिप रहेगी, तो अभी हम निकल रहे जम्मू, तो वही वहाँ पे एक दिन स्टे करेंगे, फिर कल अजमेर की ट्रेन पकड़ेंगे, परसों सीधा अजमेर, इंशाल्लाह वहाँ की ब्लॉग बनेगी, तो एक दिन गैप हो जाएगा वीडियो का, तो इंशाल्लाह फिर आ जाएगी। आज भी मैं वीडियो थोड़ा सा डिले डाल रहा हूँ क्योंकि कल रात में आके सो गए थे, थक गए थे, थोड़ा तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, -11 टेम्परेचर था वहाँ का डिग्री, भाई हालत ख़राब नहीं होगी तो क्या होगी मुंबई वाले की, तो भाई ऐसी वहाँ पे ठंडी हम लोगों को पता ही नहीं चलती, यहाँ पे आने के बाद पता चलती है भाई कि ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो भाई अगर आप लोग प्लान कर रहे हो ना, अगर आप लोगों को सारी चीज़ें इन्जॉयमेंट करना है ना, तो मैं बोलूँगा आप लोगों को थोड़ा गर्मी में आ जाओ, थोड़ा बर्फ़ वगैरह तो बर्फ़ तो मिलेगा, फेज़ 1 फेज़ 2 आप लोग जाओगे तो बर्फ़ वगैरह मिलेगा। और एक चीज़ गलती मत करना, फेज़ 1 फेज़ 2 की टिकट निकालना, फेज़ 1 की निकालना कंपलसरी, तो आप लोग फेज़ 2 में जाओगे, फेज़ 2 की टिकट निकालते हैं तो उनका वेस्ट है, तो उनको फेज़ 1 की टिकट निकालना बेटर है। एक चीज़ और, पूरा फॉग, एक चीज़ और वो बताया उन्होंने, जैसे फेज़ 2 अगर आप लोग टिकट निकालते हो डायरेक्टली भाई पूरा वेस्ट है, पूरा फॉग फॉग रहेगा, कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा, तो फेज़ 1 थोड़ा बेटर है, ठंडी में अगर आप लोग आने का प्लान करो तो फेज़ 1 बेटर है, तो आप लोग फेज़ 1 की टिकट निकालो। कोई नहीं, बस इस वीडियो में यही सारा टॉपिक बताना था मुझे, क्योंकि आप लोग आते हो यहाँ पे उल्लू बन जाते हो भाई, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर मेरी वीडियो देख के आ रहे हो तो उल्लू मत बनो। एक चीज़ बताओ, कितना भी साना बंदा होगा ना कटेगा यहाँ पे आके, ये चीज़ तो भाई मान के चलो, कितना भी बड़ा साना बंदा हो यहाँ पे आके कटेगा ही कटेगा। तो मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई बार्गेनिंग करो, ऐसा पेमेंट दो कि आपको लगे कि हाँ भाई चलो, किसी के मुँह से सुने अरे इतना दिया, हाँ ठीक है चलो, हाँ थोड़ा 10 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा चलता है, ज़्यादा मत कटना भाई। और होटल वगैरह अगर आप लोगों ये जो मैं होटल में स्टे किया वहाँ पे अगर आप लोगों को रुकना है तो मैं कांटेक्ट वगैरह दे दूँगा, आप लोग प्लीज़ कांटेक्ट करके यहाँ पे आ सकते हो। अगर देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे रेंट थोड़ा ज़्यादा है, लग्जरी होटल है ये तो रेंट ज़्यादा है, तो मेरे थ्रू अगर आप लोग आते हो मुझे DM करो, मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा, और या फिर कमेंट कर दो तो मैं आप लोगों को पर्सनली कॉन्टैक्ट दूँगा, क्योंकि ऐसे कॉन्टैक्ट नहीं शेयर कर सकता इनका, तो थोड़ा सा उन्होंने मना किया, तो पर्सनल कर सकता हूँ, बाकी मैं आप लोगों को पब्लिक के बीच में नहीं कर सकता, तो आप लोग
आओ इंजॉय करो। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, इंशाल्लाह जल्दी मिलेगा भाई, टेक केयर।